हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेम्बाला फ्रॉम महाराजागढ़ सेंट स्कूल हिसार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सिविक्स चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th। आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू होमवर्क विच विल बी चेक वंस द स्कूल योग। आज हम शुरू करते हैं हमारी सिविक्स की बुक लोकतांत्रिक राजनीति 2 पार्ट। इसका फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता के अंदर जो है किस तरह से जो है शासन जो है अलग अलग भागों में बंटने के बाद भी जो है बंटवारा होने के बाद भी किस तरह मिलकर कार्य किया जाता है, काम करते हैं। इसका हम जो है सत्ता की साझेदारी का उदाहरण देते हुए हम बेल्जियम और श्रीलंका दो देशों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है हरियाणा से भी छोटा है और इसकी आबादी जो है लगभग 1 करोड़ है और यानी कि हरियाणा से भी आधी। बेल्जियम की जटिल जातीय बनावट यानी कि बेल्जियम की जातीय बनावट जो है बहुत ही जटिल है। बेल्जियम में देश की आबादी का 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा को बोलता है। 40% जो है वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष जो है 1% लोग जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं जबकि 20% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं। लेकिन बेल्जियम के अंदर जो है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी यानी कि फ्रेंच भाषा के लोग जो है 40% है, लेकिन वो लोग जो है तुलनात्मक रूप से समृद्ध व ताकतवर माने जाते हैं। दूसरा है हमारा श्रीलंका का उदाहरण। श्रीलंका जो है वो एक द्वीपीय देश है और इसकी आबादी जो है लगभग 2 करोड़ है यानी कि हरियाणा के बराबर। श्रीलंका के अंदर विभिन्न जातीय समूहों के लोग रहते हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं सिंहली समुदाय के। सिंहली समुदाय के लोगों का है 74% और तमिल भाषी लोगों का है 18%। तमिल भाषी लोगों के भी जो है यहाँ पर 2 समूह पाए जाते हैं, एक है श्रीलंकाई मूल के तमिल और दूसरा हिंदुस्तानी तमिल। इन लोगों को जो है औपनिवेशिक शासनकाल में यानी औपनिवेशिक यानी कि जब अंग्रेजों का शासनकाल, औपनिवेशिक शासनकाल के अंदर बागानों के अंदर काम करने के लिए भारत से लाया गया था। ये उन्हीं लोगों की संतान। अधिकतर सिंहली भाषी लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं जबकि जो तमिल भाषी लोग हैं उनमें से कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। जबकि 7% हिस्सा जो है वो ईसाई लोगों का है जो सिंहली व तमिल दोनों ही भाषाओं को बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद यानी कि जो संख्या में ज्यादा होते हैं और अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करते हैं। श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ने के क्या कारण थे यानी श्रीलंका में रहने वाली तमिल मूल के लोग जो है वो श्रीलंका से क्यों नाराज थे। श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। वहां पर सिंहली समुदाय के लोगों यानी कि नेताओं ने जो है अपनी इस बहुसंख्या के बल पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। इसके लिए उन्होंने जो है 1956 के अंदर एक कानून बनाया जिसके अंतर्गत सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया यानी कि तमिल भाषा को एक किनारे रख दिया। दूसरा, विश्वविद्यालयों व सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई यानी कि सिंहली भाषा के लोगों को ही जो है चाहे वो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए मौका दिया जाता था और सरकारी नौकरियों में भी उन्हीं को अहमियत दी जाती थी। तीसरा है, बौद्ध मत को संरक्षण प्रदान किया गया क्योंकि सिंहली भाषा के लोग जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, इस कारण बौद्ध मत को संरक्षण प्रदान किया। तो इन सभी कारणों से जो है श्रीलंकाई तमिल लोग जो थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अब जो है कि इन श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ने के क्या परिणाम निकले कि तमिल जो थे गुस्सा हुए, इसके बाद उन्होंने क्या किया। फर्स्ट है, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बनाई और साथ ही जो है तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने, शिक्षा व रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। दूसरा, 1980 के दशक तक श्रीलंका में
स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनाए जाने लगे। तीसरा श्रीलंका में इन दोनों समुदायों ने जो है टकराव का रूप ले लिया, जिसके कारण जो है गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट आता है बेल्जियम की समझदारी, यानी कि बेल्जियम के नेताओं ने जो है श्रीलंका से बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने 1973 से 1993 के बीच अपने संविधान में 4 परिवर्तन किए, जिससे कि देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को बेगानेपन का एहसास ना हो, यानी कि उन्हें ये ना लगे कि हम इस देश के अंदर बेगाने हैं, को ये देश हमारा नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर रहे, इसके लिए उन्होंने कुछ बातें रखी। तो वो बेल्जियम मॉडल की मुख्य बातें निम्नलिखित। फर्स्ट, केंद्रीय सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, जिससे कि किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। दूसरा, केंद्र राज्य की अनेक शक्तियां जो है क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई, अर्थात राज्य सरकारें अब केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय के लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। केंद्रीय व राज्य सरकारों के अलावा जो है यहाँ पर एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जो है सामुदायिक सरकार, यानी कि इस सरकार को जो है संस्कृति, शिक्षा व भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। और इस सरकार का चुनाव जो है एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, लेकिन सभी को बराबर के अधिकार दिए जाते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अब आता है कि बेल्जियम व श्रीलंका की कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों देश लोकतांत्रिक है, लेकिन सत्ता की साझेदारी के मामले में दोनों ने अलग अलग रास्ता अपनाया। बेल्जियम के नेता जो थे उन्हें ये लगता था कि जो विभिन्न समुदाय व क्षेत्रों की भावनाओं का आदर कर ही देश में एकता कायम की जा सकती है, जबकि और इस कारण जो है फ्रेंच भाषी डच भाषी दोनों ही पक्ष जो है सत्ता में साझेदारी की बात पर सहमत हुए, जबकि श्रीलंका ने बिल्कुल इसके विपरीत रास्ता अपनाया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर अपना प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है, क्योंकि श्रीलंका ने जो है सिली समुदाय को प्रभुत्व जो है ज्यादा अहमियत दी और तमिलों को दरकिनार किया। एथनिक या जातीय, एथनिक या जातीय किसे कहा जाता है कि ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह जो है अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अर्थात सांझी संस्कृति पर आधारित ये सामाजिक विभाजन है। बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बहुसंख्यक समुदाय जो होते हैं अपने मनमाने ढंग से शासन कर सकते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं का जरूरतों की अवहेलना कर सकते हैं। गृहयुद्ध, गृहयुद्ध क्या होता है? जब किसी भी देश में सरकार विरोधी समूहों की जो हिंसक लड़ाई है ऐसा रूप ले ले जिससे लगे कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि अगर शासन अलग अलग समूहों में बढ़ जाता है तो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े की संभावनाएं भी कम हो जाती है। दूसरा, इससे हिंसा व राजनीतिक अस्थिरता कम होती है, यानी कि देश के अंदर जो है राजनीतिक शासन जो है सुचारू रूप से काम करता है। राजनीतिक व्यवस्था की स्थायित्व को बढ़ाता है, यानी कि विभिन्न समुदाय अगर होंगे तो जो है राजनीतिक व्यवस्था काफी समय तक जो है टिकी रह सकती है। फोर्थ, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, अर्थात लोकतांत्रिक किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर सत्ता की साझेदारी होना बहुत जरूरी है। सत्ता की साझेदारी के दो तर्क हैं, एक है युक्ति परक तर्क और दूसरा है नैतिक तर्क। युक्ति परक तर्क जो है वो समझदारी का तर्क माना जाता है, जो लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर कोई भी निर्णय लेता है, जबकि नैतिक तर्क जो है यह सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है
यानी कि इसके क्या मौलिक कर्तव्य बनते हैं, क्या नैतिक जो है कर्तव्य बनकर उनका लाभ कमाया जा सकता है। अब आता है सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध जो है सत्ता की साझेदारी का रूप जो है वो सामने आया। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हैं। पहला है शासन के विभिन्न अंगों में साझेदारी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन के विभिन्न अंग यानी कि विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे ही हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग जो है एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे देश में कार्यपालिका जो है वो सत्ता का उपयोग करती है लेकिन संसद के अधीन रहकर सारे कार्य करती है। इसी तरह न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है लेकिन न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधानपालिका विधायिका के ऊपर बनाए कानूनों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करती है। सेकंड है सरकार के स्तरों पर साझेदारी, यानी कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा है, यानी कि केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम के अंदर केंद्र व राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया है लेकिन श्रीलंका में नहीं किया गया। भारत में जो है केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया है, साथ में एक तीसरे स्तर की भी स्थानीय सरकार पाई जाती है। तो सत्ता के इस उच्चतर से निम्नतर सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण का नाम दिया जाता है। थर्ड है विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व भाषाई समूहों में साझेदारी। इस आधार पर जो है देश में स्थित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व भाषाई समूहों के बीच में भी सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। जैसे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसका उदाहरण है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच व डच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व वाली सरकार बनाई गई है। फोर्थ है द्वाब समूह में साझेदारी, यानी कि विभिन्न प्रकार के द्वाब समूह और आंदोलन भी जो है वो भी शासन को प्रभावित कर सकते हैं। लोकतंत्र के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां यानी कि अनेक राजनीतिक पार्टियां होती हैं, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर, ये सभी जो है अपने अपने समूहों के हित के लिए जो है सरकार की विभिन्न समितियों के अंदर या तो सीधी भागीदारी करते हैं या फिर अपनी नीतियों के ऊपर सरकार का ध्यान जो है आकर्षित करके अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर कार्य करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन। इस लेसन के क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।